वे बिजनेसमैन या वे व्यक्ति जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना भी ज़रूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ये डिसीजन लिया है कि किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति को अपना फिजिकल रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी है। जीएसटी के रूल्स के हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन तब ज़रूरी होता है जब एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है उसे नहीं चूज़ किया हो, या फिर एप्लीकेंट ने अगर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चूज़ भी किया है तो वो फेल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ जाकर। इसके अलावा बिजनेस से जुड़े और भी कोई प्लेसेस है तो वहाँ का भी वेरिफिकेशन ऑफिसर करेंगे, और एक लिस्ट जिसमें बिजनेस की सारी डिटेल होगी उसे एक ऑफिसर के द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा। ऑफिसर ऑफिसर जो वेरीफाइड लिस्ट बनाते हैं उसमें भी कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स के हिसाब से वो लिस्ट बनाई जाती है। जैसे कि उसमें जो भी बिजनेस है उसकी कैपिटल के बारे में लिखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में लिखा जाता है, बिजनेस जहाँ चल रहा है वो जो बिल्डिंग है, वो जो एरिया है वो कितना बड़ा है या कितने साइज़ का है वो भी उसमें दर्ज किया जाता है, और जो भी प्लेस और जो भी बिल्डिंग बिजनेस के काम के लिए यूज़ की जा रही है वो खुद की है, जो बिजनेसमैन है उनकी खुद की है, ऑनर की, या फिर किसी रेंट पे ली हुई है, ये चीज़ भी उसमें दर्ज की जाती है। वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी काउंटिंग लिखी जाती है, और जो भी वहाँ के ऑनर होते हैं बिजनेस के उनका पेन नंबर दर्ज किया जाता है। सो इस तरह की जो एक लिस्ट बनाई जाती है ऑफिसर के द्वारा, और उस लिस्ट को वेरीफाइड किया जाता है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाइड किए जाते हैं ऑनर के, उसमें सबसे पहले तो जो ऑनर है उनका इनकम टैक्स रिटर्न, एप्लीकेंट का इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाता है। इसके अलावा अगर बिजनेस में कोई पार्टनर है या फिर सिर्फ प्रोप्राइटर है उनके भी इनकम टैक्स रिटर्न देखे जाते हैं। फिर उनका बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखा जाता है, फिर फ़ोन नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं ये भी देखा जाता है, और जो भी उनके लोन फंड कैपिटल की जो भी डिटेल होती है वो सब यहाँ पे देखी जाती है, जांची जाती है। वैसे तो ये वेरिफिकेशन डिजिटल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन किया ही जाए, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फिज़िकल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह की परमिशन दे दी जाती है। तो इसलिए जब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो उसका फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर चाहे वो फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाए या डिजिटल किया जाए, लेकिन वो किया जाता है, ये मैंडेटरी हो गया है। तो ये थी जीएसटी में फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रोसेस। इसके अलावा आप इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।